ये अंदाज है कि निश्चित रूप से बंगाल में कांटे की टक्कर होगी, आसाम में भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन केरल में लेफ्ट दोबारा सत्ता में आ रही है, पुडुचेरी में परिवर्तन दिख रहा है और साथ ही साथ तमिलनाडु में डीएमके स्वीप कर रहा है और हमें लगता है इसी तरह की परिस्थिति होगी। इसमें मोदी सरकार पूरी तरह से कोविड से लड़ने में नाकाम हो गई, बिना नियोजन के घोषणाएं कर देते हैं। पहले 60 साल से ऊपर वालों को टीकाकरण की बात की गई, फिर उम्र घटा के 45 साल। आज भी टीका राज्य सरकारों को पहुंचाने में केंद्र की सरकार विफल हो गई। जिस तरह से अलग अलग चैनल और एजेंसियों ने 5 राज्यों के चुनाव का एग्जिट पोल जाहिर किया है, अलग अलग तरीके से लोग दिखा रहे हैं। हमारा ये अंदाज है कि निश्चित रूप से बंगाल में कांटे की टक्कर होगी, आसाम में भी मुकाबला कड़ा है, लेकिन केरल में लेफ्ट दोबारा सत्ता में आ रही है, पुडुचेरी में परिवर्तन दिख रहा है और साथ ही साथ तमिलनाडु में डीएमके स्वीप कर रहा है और हमें लगता है इसी तरह की परिस्थिति होगी। कभी कभी बहुत सारे एग्जिट पोल होते कुछ हैं और नतीजा कुछ और आता है। हमें लगता है कि 2 तारीख तक लोगों को इंतजार करना चाहिए। देश में मोदी सरकार पूरी तरह से कोविड से लड़ने में नाकाम हो गई, बिना नियोजन के घोषणाएं कर देते हैं। पहले 60 साल से ऊपर वालों को टीकाकरण की बात की गई, फिर उम्र घटा के 45 साल। आज भी टीका राज्य सरकारों को पहुंचाने में केंद्र की सरकार विफल हो गई, फिर ऐलान कर दिया कि 1 तारीख से राज्य सरकारें अपने पैसे से लोगों को मुफ्त टीका या टीका लगा सकती है, देश में टीका उपलब्ध नहीं। एक कंपनी है सीरम जिसकी उत्पादन क्षमता है, लेकिन देश की सारी जो पुराने ऑर्डर हैं वो ही वो पूरा नहीं कर पा रहे। नई एक कंपनी जो भारत बायोटेक है उसकी क्षमता बिल्कुल कम है, और कंपनियों को परमिशन देने का काम नहीं हो रहा है। और ये सारी परिस्थिति के बावजूद दुनिया में 70 देशों को टीका बांटने का काम किया मोदी जी ने। हमें लगता है कोविड को लेके नियोजन का अभाव है, लगातार कोई ऐलान करने से पहले उस पर चर्चा नहीं होती, तैयारी नहीं की जाती। कल से टीकाकरण का ऐलान कर दिया, टीका है नहीं, लगेगा कहाँ से, ये मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से महाराष्ट्र को रेमडेसिविर 4,35,030 तक देने का ऐलान किया था केंद्र ने, हमारा कोटा बांधा था, लेकिन मात्र 2,25,000 ही राज्य को दिया। अभी भी आज आखिरी दिन है, 2,10,000 रेमडेसिविर जो कोटा तय किया गया था हम लोगों को नहीं दिया गया। जब हम सवाल उठाते हैं तो कहा जाता है कि केंद्र पे उंगली उठाई जा रही है। महाराष्ट्र में सिप्ला का स्टॉक 1.5 लाख पड़ा है, 1,10,000 उस लिस्ट में हमें देना था। जब हमारे अधिकारी लेने जाते हैं तो केंद्र का जो FDA डिपार्टमेंट है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ड्रग कंट्रोलर, वो कहते हैं ये आपका नहीं है, अन्य राज्य का है। हमें लगता है कि जानबूझ के महाराष्ट्र को परेशान किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।